एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी अपने घर पर ठीक हूँ। तो आज है चतुर्दशी का मेला, जो कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रखा गया है, जो कि सिराकोट मंदिर पर है। तो उसकी अभी यात्रा निकलने वाली है, कलश यात्रा, जो कि रामलीला मैदान से होकर निकलेगी। तो चलिए चलते हैं और आपको भी मलयनाथ बाबा के दर्शन कराते हैं। तो गाय अभी निकल चुके हैं घर से ग्राउंड की ओर के लिए, तो चलिए ग्राउंड में दिखाते हैं आपको, वहाँ से कलश यात्रा निकलने वाली है। तो चलते हैं ग्राउंड की ओर। तो रामलीला ग्राउंड पहुँचने से पहले ही झांकी पहुँच चुकी थी आधे रास्ते पे, तो अब यहीं पर रुक के हम वीडियो बनाएंगे आगे की। तो यहाँ पे सभी ग्राम सभा अपने अपने ढोल नगाड़े एवं कलश यात्राओं के साथ अब मंदिर को प्रस्थान करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब आ गई है चाचा जी की टीम, जो कि है हिमालयन सैफ्रन ग्रुप। तो इनका प्रदर्शन हर वर्ष बहुत ही बेहतरीन रहता है, जैसा कि आपने नंदा महोत्सव या पिछले वर्ष के डीडी हाट महोत्सव में देखा होगा। आगे भी कलश यात्रा की कई सारी टीमें आ रही हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आ गई है हमारी जोहार सामाजिक सांस्कृतिक समिति की टीम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सभी लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं महिलाएं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और पीछे से आ रहे हैं हमारे दादा नवराज भैंसुड़ा जी, जो कि अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगे हैं, तो सभी गाड़ियाँ फुल हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी गाड़ियाँ फुल होने लगी हैं। और यहाँ पर है बाबा साहेब की मूर्ति, जो कि आप देख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी गाड़ियाँ मंदिर की ओर निकलने लग गई हैं।
यहाँ पे हम सभी हो गए थे पैदल, क्योंकि गाड़ियाँ सभी भर चुकी थी, तो कुछ आगे की ओर जाके हमें गाड़ियाँ मिलेंगी, तो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियाँ मंदिर की ओर यहाँ से प्रस्थान करने लग गई है। तो जिन जिनको गाड़ियाँ नहीं मिली वो पैदल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर से बस और गाड़ी की व्यवस्था है। फाइनली गाइस हम भी गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो ये रहे मेरे साथ वाले सभी, तो चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों हमारी गाड़ी भी भर चुकी है, तो अब हम लोग भी मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी अभी कई लोग पीछे पे हैं, तो अभी जो गाड़ियां जा रही हैं वो दोबारा वापस भी आएंगी इन सभी को लेने। तो अभी हमें जाना है ऊपर टॉप पे जो मंदिर दिख रहा है। तो गाड़ियां काफी आगे रुक चुकी थी, तो यहाँ पर सब जाना है पैदल आगे की ओर। तो आप देख सकते हैं कि सभी आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, ये है मेरे दोस्त, तो चलते हैं मंदिर की ओर। भाई हमारे, हेलो गाइस। तो ये है मंदिर का प्रथम द्वार, तो यहाँ से अभी सभी ऊपर जाएंगे। तो मेले में यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म जलेबियाँ, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और भी कई सारी यहाँ पे शॉप लगी हुई है। तो यहाँ पे है जलेबी की दुकान, और ये रही जलेबियाँ, और यहाँ पे बच्चों के गुब्बारे और छोटे मोटे खिलौने बेच रहे हैं यहाँ पे भैया। ये ड्रोन रहा था, पर इसका ड्रोन कहाँ पे है अभी दिख नहीं रहा है, वीडियो बनाना को छूट है ब्लॉगरों को। आज के लिए तो रेस्ट होना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर इनके लिए छूटे वाले नहीं जाएंगे। बस
पहुंच गए हैं मंदिर के द्वितीय द्वार पे। तो सभी भक्तजन नीचे से आते हुए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और कुछ भैया लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं लकड़ियाँ। सभी लोग अपना पूरा यहाँ पे सहयोग देते हुए कौतिक को। हमारे सब्सक्राइबर्स आते हुए, तो सबसे पहले हमारी कलश पकड़ी हुई आंटी जी जो कि मेरी पड़ोस में भी रहती है, और बाकी सभी पीछे से आते हुए आंटी जी और भी कई लोग पीछे से आ रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्ते आंटी। बढ़िया आंटी, आप हेलो हेलो दी। तो दीदी का भी यूट्यूब पे चैनल है जो कि है मेहता व्लॉग्स उत्तराखंडी नाम से, तो आप जाके जरूर चेक करिएगा। हमारी दादी जी भी पैदल पैदल मंदिर की ओर चल पड़े हैं। तो मन में होनी चाहिए श्रद्धा, तो कैसे रास्ते भी पार हो जाते हैं। तो आप सभी भी हर साल सिराकोट कौतिक के अवसर पर जरूर आइएगा।
खीर गिलास आ गया है मंदिर का मुख्य द्वार। तो ये सामने रहा मनेनाथ बाबा जी का मंदिर। तो यहाँ पे सभी ग्राम सभाएं एक एक करके आने लगी हैं और जो जो पहुंच चुके हैं सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम मनेनाथ धाम के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, तो आप देख सकते हैं और अभी आधे से ज्यादा भक्तजन यहाँ पर काफी मात्रा में भक्तजनों की भीड़ उमड़ी हुई है। ग्राम सभाओं का एक एक करके हम भू प्रदर्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं और मंदिर में भक्तजनों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। अभी भी कुछ ग्राम सभाएं नीचे ही हैं, वो आ रही हैं। Thank you.
कुमाऊनी ढोल दमुआ को लेके ये अंकल जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, जैसा कि आप अभी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सभी लोग अपनी अपना पूजा पाठ करवाने लग गए हैं पंडित जी से, तो अब हम भी चलते हैं नीचे की ओर और नीचे को देखते हैं कि नीचे क्या चल रहा है। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर JMS अकेडमी के बच्चे जूस बांटते हुए, तो यहाँ पर हमने भी जूस ले लिया है, हम लोग भी जूस पीने लग गए हैं और साथ में यहाँ पर बैठ रही है। मेरी बहन खीर का वेट करते हुए, चम्मच नहीं है और डालू कह रही है, 60-80 दे देना पकड़ ले चम्मच। नाम बताओ इसमें बस। हेलो, खीर में कुछ है? तो यहाँ पे खीर है भैया, खीर में कुछ है? इसको खीर में कुछ नहीं मिला है गाइस। तो यहाँ पे काजू बादाम डलवाते हुए हमारा सूरज भाई हमारे चम्मच नहीं लेके आया, अब ये हमें बोल रहा है कि गिलास में खीर खाइए। दादा चम्मच नहीं लगे ऐसे खाओ बोल रहे हैं। बाल्टी और एक कर्सी पकड़ाओ इसको, जिसे खाए इसको, किसको? ये इसको, मेरे खाने में नजर लगा रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं नीचे पे जाने के बाद क्लासमेट्स और हमारे एक सीनियर और सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे हमारे छोटे भाई अपना चेहरा छुपाते हैं। यहाँ पे भंडारा खाने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा ना। नब्बू भाई यहाँ पे पानी बांटते हुए सभी खाना बांटते हुए। भंडारे का खाना खाने के बाद मैं और मेरी दोस्त अब जा रहे हैं मंदिर की ओर दोबारा से। तो चलो सब्सक्राइब करें, बाय बाय। तो यहाँ पर भाभी लोग भी रुके हैं। ये लोग भी मिल चुके हैं, तो उनकी फैमिली आई है यहाँ पे। तो चलते हैं वो ऊपर की ओर। Thank you.